ओके देन, सो कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इफ समबडी आस्क मी दैट सर, इफ यू गो बैक टू योर एरा, से 15 इयर्स बैक व्हेन यू वर अ सीए स्टूडेंट, तो ऐसी क्या चीज आप अभी के एरा से पिकअप करना चाहेंगे दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द करेंट स्टूडेंट्स? एंड मेरा आंसर होगा द रिविजन लेक्चर्स. एवरी प्रोफेसर एवरी सब्जेक्ट के लिए जो रिविजन लेक्चर्स के लिए आजकल मेहनत करता है टू गिव आउट द बेस्ट टू द स्टूडेंट सो दैट दे कैन सिक्योर द मैक्सिमम मार्क्स इज अप बीट. मतलब बहुत ही अच्छी चीज है ये, एंड स्टूडेंट्स उसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर अचीविंग द डिग्री बेस्ड ऑन दिस. बट होता है ना, दो धारी तलवार, कोई भी चीज का एक फ्लिप साइड भी होता है. जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन कितनी अच्छी चीज है, दुनिया में कोई भी कहीं भी हो कनेक्ट कर सकते हो एंड यू नो दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट. बट उसी के फ्लिप साइड है, जैसे कितना अपना डिस्ट्रैक्शन बन गया है आज की तारीख में मोबाइल फोन है, अपन लोग उसको गलत चीजों के लिए भी यूज करने लगे हैं. वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं जहां पे इफ नॉट यूज्ड प्रॉपरली तो वो आपको बैकफायर भी कर सकता है, एंड ट्रस्ट मी रिविजन लेक्चर्स इज वन ऑफ देम. भाई आज की तारीख में रिविजन लेक्चर्स तो हर बच्चे देख रहे हैं, कोई भी प्रोफेसर के देखो जिसके भी साथ आपका वाइब मैच हो रहा है, आपको लग रहा है भाई चलो ये मेरे लिए सही है, या एग्जाम टाइम पे ये मैं इसको यूज कर सकता हूँ, या इससे मुझे समझ में आ रहा है. सो एवरीबॉडी इज वॉचिंग दैट, बट इज एवरीबडी क्लियरिंग द एग्जाम? द आंसर इज नो. सो कहीं ना कहीं अपने को स्ट्रेटेजिकली रिविजन लेक्चर्स को यूज करना है. खाली दिमाग बस ऐसे ही बस रिविजन लेक्चर्स देखना है, ऐसा नहीं चलेगा. सो वॉट आर फ्यू पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड एज अ स्टूडेंट वेल वॉचिंग द रिविजन लेक्चर्स इज नाउ वॉट आई एम गोइंग टू डिस्कस, एंड ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू. सबसे पहले, अगर आप लोग वीडियो या इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज इंश्योर दैट यू आर सब्सक्राइब सो दैट यू गेट मोर बेनिफिशियल कंटेंट गोइंग फॉरवर्ड. और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ही अच्छी चीज को इफेक्टिवली यूज किया जाए, बिकॉज दिस इज अ ब्लेसिंग टू द करेंट स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस. अगर मेरे पास भी वो टाइम पे रिविजन लेक्चर्स होते हैं ना, मुझे इतना सुकून मिलता है, क्योंकि कितनी बार मतलब एज अ स्टूडेंट समझो हमारे टाइम पे होते थे क्लासेस होते थे, वो टाइम पे अगर क्लासेस मिस किया तो आपका गया वो चीज, आपको फिर खुद से समझनी पड़ेगी. आर्टिकलशिप का प्रेशर, और कई सैटरडे संडे बाहर चले गए तो लेक्चर्स मिस हो गए, देन हाउ डू यू यू नो रिकनेक्ट. आज अगर मैं वो चीज सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कोई भी टॉपिक पे, दुनिया के कोई भी टॉपिक पे कुछ भी डालू यूट्यूब पे एंड आई विल गेट अ लेक्चर फॉर द सेम, जिससे मुझे चीजें समझ जाए आ जाएगी एंड मैं उसको इंप्लीमेंट कर लूंगा. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. नाउ व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स डू? एक कि आप लोग रिविजन लेक्चर्स को सुनते हो, अच्छी बात है, बट एज अ सॉन्ग कई बार आपको है ना फोकस के साथ अब रिविजन लेक्चर सुनना पड़ेगा. आपको लगता है बस 3 4 बार मैंने रिविजन लेक्चर सुन लिया और हो गया मेरा काम, नहीं. एग्जाम में आपको रिविजन लेक्चर्स नहीं, आपको तो लिख के करना है ना. तो सबसे पहला काम है एंश्योर टू सिट एंड स्टडी. कितनी बार सोफे के ऊपर सोए हुए या फिर यू नो बेड पे लेटे हुए लेटे अपन लोग लेक्चर देख रहे हैं एंड उसमें उतना अच्छा रिटेंशन नहीं होगा, तो आपका माइंड आपको बोलेगा हाँ मैंने देख आज 2 घंटे का लेक्चर देख लिया, बट उसका प्रोडक्टिविटी आया क्या 2 घंटे का? आई कैन टेल यू द आंसर इज नो. सो प्लीज एंश्योर दैट व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द रिविजन लेक्चर, उसको इतनी ही शिद्दत से देखो आप जितना आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो. तो इंश्योर दैट यू आर सिटिंग एंड स्टडिंग फॉर द सेम, एंड एयरप्लेन मोड पे डाल दो. भाई आजकल तो आप वीडियो को सीधा डाउनलोड करके रख सकते हो, एयरप्लेन मोड पे आपका वीडियो अपना मोबाइल होना चाहिए एंड दैट्स हाउ यू हैव टू स्टार्ट. सेकेंड, मेक योर ओन नोट साइमल्टेनियसली. कोई भी प्रोफेसर का कितना भी अच्छा नोट्स हो, टिल द टाइम आपने खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए होंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. वही चीज अगर आप 3 बार रिविजन लेक्चर सुन लो, उससे अच्छा 1 बार रिविजन लेक्चर सुन के साइमल्टेनियसली खुद के नोट्स बना लो, इट इज इक्विवेलेंट. अब आप सोचो, समझ रहे हो, 3 बार आप कोई रिविजन लेक्चर सुन रहे हो, उससे अच्छा 2 घंटा वो प्रॉपरली सुन के खुद का ही ऑन द स्पॉट नोट्स बना लो, रिफर कर लो बाद में, कोई भी बुक मॉड्यूल हो या कोई प्रोफेसर का बुक हो कुछ भी कर लो रिफर, बट खुद का लिखा हुआ याद हमेशा बेटर ही रहेगा. डू सेल्फ प्रैक्टिस आफ्टर द लेक्चर. अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे AFM के रिविजन लेक्चर्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स के, तो स्टूडेंट्स को सब चीज समझ में आ रहा है, बट अगर उसके बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या साइमल्टेनियसली मैं करा रहा हूं तब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, देन इन दैट केस इट इज नॉट गोइंग टू बी द वे इफेक्टिव इट शुड बी. सो प्लीज इंश्योर के सेल्फ प्रैक्टिस को कभी रिविजन लेक्चर टेक ओवर नहीं कर पाएगा. खुद का जो
प्रैक्टिकल सम सॉल्विंग है। देखो समझो, मैंने आपको कोई पॉइंट बता दिया, से बॉन्ड वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स कुछ चालू है, या म्यूचुअल फंड का कोई, मैं आप लोगों को रिवीजन लेक्चर दे रहा हूँ और मैंने उसमें दो तीन पॉइंट्स बताया आपको डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के थ्रू, और आपको वो पॉइंट समझ भी गए। बट एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आया तो आप लोग जब लिखोगे ना तब आपके दिमाग में 10 चीजें आ जाएगी, अरे ये होता है कि वो होता है। वही अगर लिखा हुआ होगा तो इमीडिएटली आपको क्लिक हो जाएगा, हाँ मैं जब ये लिख रहा था तो मेरे को ये वाली चीज आई थी। होता है ना आप लोगों के साथ भी? एग्जैक्टली। सो प्लीज एंश्योर कि कमेंट में आप लोग सब अभी मुझे लिखे दे रहे हैं दैट यस आई विल फॉलो द पॉइंट्स एंड यूज द रिविजन लेक्चर्स इन अ सिस्टमैटिक वे। इतना लिख दो आप लोगों को, खुद का दिमाग उस एंड पे दौड़ना चालू कर देगा दैट यस समथिंग इज अ ब्लेसिंग, उसको ब्लेसिंग के वे में ही यूज करना है। एंड रिविजन लेक्चर्स को आप एग्जाम टाइम पे कैसे यूज करने वाले हो वो अभी से प्लान करना चालू कर दो, बिकॉज द रिविजन लेक्चर्स का लेंथ कितना है, आपके पास वो टाइम पे कितना टाइम है, से 1.5 डेज का टोटल आपके पास टाइम होता है, तो इफेक्टिवली अगर मैं देखूँ तो 36 आवर्स है, उसमें से कुछ आवर्स माइनस हो गए तो इफेक्टिवली मेरे पास 20-24 आवर्स है अगर एग्जाम्पल, तो वो 20 आवर्स को मैं कैसे यूज करने वाला हूँ वो भी आपको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। सो यस इट्स अ वेरी गुड थिंग, मतलब मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ कि एक चीज अगर मुझे कोई पूछे कि कोई मेरे को टाइम फ्रेम पे पीछे ले जाए, मैं बोलूंगा यार क्या लेवल ऑफ रिविजन लेक्चर्स मिल रहे हैं आजकल, हर एक सब्जेक्ट हर एक प्रोफेसर एवरीबॉडी मेकिंग दे आर बेस्ट टू गिव द स्टूडेंट्स द बेस्ट, बट उसको यूज कैसे अच्छी तरह से करना है वो आपके हाथ में है। प्लीज एंश्योर टू फॉलो दीज पॉइंट्स एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड टू डू द बेस्ट। हस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।